हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 1.5 फॉर क्लास 7th। क्वेश्चन नंबर 5th इज अर्नव हैड रुपीज़ 20 विद हिम। बी, अर्नव के पास कितने रुपए हैं? 20 रुपीज़ हैं। ही स्पेंड रुपीज़ 8 ऑन मंडे, उसने मंडे को 8 रुपीज़ खर्च कर दिए। गोट रुपीज़ 5 एज पॉकेट मनी ऑन ट्यूजडे, और उसको पॉकेट मनी के रूप में 5 रुपीज़ मिल गए ट्यूजडे को। गिव रुपीज़ 7 लोन टू ए फ्रेंड ऑन वेनसडे, उसने भाई अपने एक फ्रेंड को लोन दे दिया, यानी कि उधार दे दिए 7 रुपीज़ वेनसडे को। एट एन आइसक्रीम रुपीज़ 10 ऑन थर्सडे, अब अर्नव ने थर्सडे को 10 रुपीज़ की आइसक्रीम खा ली। रिसीव ए रिवार्ड 4 रुपीज़ 5 फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर, अब अर्नव के ग्रैंड फादर ने अर्नव को 5 रुपीज़ भाई रिवार्ड दे दिया ऑन फ्राइडे को, ठीक है। हाउ मच डज ही हैव ऑन संडे, तो उसके पास संडे के पास कितने रुपए होंगे? इफ़ यदि हिज फ्रेंड रिपे द लोन ऑन सैटरडे, उसके जो फ्रेंड ने जो लोन लिया था वो उसको सैटरडे को रीपे कर दिया, यानी कि वापस से दे दिया। तो देखो भाई, सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्नव के पास कितने रुपए थे? 20 रुपीज़ थे, तो प्लस के 20। ही स्पेंड ऑन मंडे, मंडे को उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? -8 रुपीज़। भाई जो रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं हम उसको नेगेटिव साइन चलेंगे, और जो उसको मिले हैं उसको हम पॉजिटिव साइन चलेंगे, ओके। 8 रुपीज़ उसने मंडे को स्पेंड कर दिए। गोट 5 रुपीज़ पॉकेट मनी, उसको 5 रुपीज़ पॉकेट मनी मिली, तो प्लस 5। उसके बाद उसने 7 रुपीज़ अपने फ्रेंड को लोन दे दिए, तो -7, ओके। फिर इसने 10 रुपए की आइसक्रीम खा ली, तो -10। प्लस 5 रुपीज़ उसको उसके ग्रैंड फादर से मिले थे, ओके। एंड ऑन फ्राइडे, और उसके फ्रेंड ने उसको 7 रुपए वापस से रीपे कर दिए थे, यानी कि +7। अब इस को हमें सोल्व करना है, तो देखो पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते, फिर माइनस वाले। यहाँ पे 20 प्लस का है, +5 +5 और 7। 20 में 5 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? 25। 25 में 5 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? 30। 30 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 37। माइनस, अब माइनस माइनस वाले ऐड कर लेते हैं। 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15। 15 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। तो अब कितने 37 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 12 रुपीज़। तो भाई ऑन संडे को अर्नव के पास कितने रुपए बचे वो बताना है, ठीक है। ऑन संडे अर्नव हैज़ अर्नव हैड रुपीज़ 12। तो भाई संडे को अर्नव के पास कितने रुपए थे? 12 रुपीज़ थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सबमरीन लेफ्ट द सरफेस ऑफ द वाटर एट रेट ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड। सबमरीन होती है भी जो अपनी पनडुब्बी जहाज होती है जो पानी के अंदर चलती है, वो वाटर सरफेस को एक सेकेंड के अंदर -2 मीटर यानी कि पीछे की तरफ छोड़ती है। माइनस क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको पीछे की तरफ धकेल रही पानी को। तो एट द रेट हाउ लॉन्ग वुड टेक द सबमरीन टू रीच -60 मीटर लेवल, तो भाई -60 मीटर लेवल को वो कितने टाइम के बाद पीछे छोड़ देगी? तो लेफ्ट वाटर एट रेट 1 सेकेंड इज इक्वल टू -2 मीटर, एक सेकंड में वो कितना पीछे छोड़ती है? -2 मीटर छोड़ती है। तो अब 60 मीटर पानी को कितने सेकंड में छोड़ेगी? तो -60 मीटर लेवल लेफ्ट, तो क्या करेंगे हम भाई, -60 के अंदर क्या कर देंगे? 2 का -2 का डिवाइड दे देंगे, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। अब 60 के अंदर जब 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा हमारा? 30। तो वो कितने टाइम में उसको पीछे छोड़ देगी? 30 सेकंड में उसको पीछे छोड़ देगी।
आई होप आपको ये टू क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। थैंक यू।